डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री पॉप कॉन्सर्ट में जाकर भाषण दे सकते हैं, नाच गाना हो रहा है वहां भाषण दे सकते हैं, ऑपोजिशन के 200 एमपीस यहां खड़े हैं, 200 एमपीस कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। ये जो पार्लियामेंट है यहां उनको आना चाहिए, जो डिबेट होगी पूरी डिबेट में उनको बैठना चाहिए, जो हम कह रहे हैं, जो बाकी नेता ऑपोजिशन के कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा और उनको वहां बैठना पड़ेगा। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि हमें लगता है कि इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए।